नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं रश्मि विद्यांत फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो उसे जरूर देखें जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नमस्ते। तो आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ बिल्कुल से साउथ के होटल्स में बनने वाली सांभर की रेसिपी। वैसे तो सांभर बनाना मोस्टली सभी को आता है, लेकिन मेरे प्रोसेस से अगर आप सांभर बनाएंगे तो जैसा फ्लेवर साउथ के होटल्स में बनने वाली सांभर की होती है, ठीक वैसा ही फ्लेवर आपके घर के सांभर में भी आएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल से टिप्स और ट्रिक्स दूंगी, जिसे आपको वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखना होगा और आप भी इस प्यारी सी रेसिपी को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो आप इस प्यारी सी साउथ की फेमस सांभर की रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और रेसिपी के प्रति मुझे अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल से फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ ही बगल में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, जाकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप मेरे फेसबुक पेज में भी आ सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले कुकर में दाल बॉईल कर ले। तो ये मैंने एक कप अरहर दाल लिया है, इसे कहीं कहीं पर तुअर दाल भी कहते हैं। तो इसे मैंने अच्छे तरीके से धोकर 2 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था, जो कि अब अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। तो इसे डालें और साथ ही इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। हल्दी पाउडर बिल्कुल से जरा सा लिया है, 1/4 टीस्पून से भी कम लिया है मैंने। तो इसे डालें और आखिरी में पानी को आप अपने अंदाज से ही डाल दें और मिक्स करें। और अब ढक्कन को बंद कर कुकर को हाई फ्लेम में 1 सीटी बजाएं और मीडियम फ्लेम में 2 सीटी बजाएं, या फिर दाल इतना पकाएं कि दाल अच्छी तरीके से कुक हो जाए। और जब तक दाल बॉईल हो रहा है तो अब इधर सांभर के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालें और गर्म कर लें। कुकिंग ऑयल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून राई डालें, और जब राई हल्के हल्के से चटकने लग जाए तो इसमें 1/2 टीस्पून मेथी दाना डालें, 2 खड़ा लाल मिर्च डालें, 8 से 10 करी पत्ता डालें, 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर डालें, या हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, और 1/4 टीस्पून हींग डालकर कुछ सेकेंड चलाएं। और फिर इसमें 1 बड़े साइज के प्याज को इस प्रकार से लंबे लंबे शेप में डी के आकार का बिल्कुल से पतला पतला काट कर डालें। आप प्याज को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसी तरीके से प्याज को काटें, क्योंकि लंबे पीसेस का जो टेस्ट आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब इसे चलाते हुए थोड़ा सा प्याज को बस ट्रांसपेरेंट करें, इसे बिल्कुल से सुनहरा फ्राई नहीं करना है। अगर आप प्याज को सुनहरा फ्राई करेंगे तो प्याज में एक कड़वाहट आ जाती है, जिससे आपका सांभर में थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा। तो यही छोटी छोटी टिप्स है जिसे आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। और जब प्याज इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसमें 1 बड़े साइज के टमाटर को इस प्रकार से रफली काट कर डालें, और अभी इसे मीडियम फ्लेम में तब तक चलाएं जब तक कि टमाटर अच्छे तरीके से कुक ना हो जाए। और जब टमाटर अच्छे तरीके से इस प्रकार से कुक हो जाए तो अब इसमें सब्जी ऐड करें। तो सब्जियों में ये मैंने थोड़ा सा लौकी को इस प्रकार से काट लिया, थोड़े से बैंगन को भी इसी प्रकार से काट लिया, थोड़ा सा कद्दू को भी सेम पीसेस में काट लिया। फ्रेंड्स, सांभर में कद्दू जरूर दे, इससे सांभर का टेस्ट इन्हेंस करता है। इस सब्जी को कंपलसरी ही समझ ले। तो ये मैंने थोड़े से सेम पीसेस में कटे हुए आलू लिए और लिया है 1 सहजन। फ्रेंड्स, अभी तो सहजन का सीजन चल ही रहा है, ये आराम से आपको बाजार में मिल जाएंगे। तो आप इसके अलावा भी कोई भी सब्जी डाल सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल है, जो आपको पसंद है, और जो नहीं पसंद है या नहीं है तो उस सब्जी को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे डालें और
चलाते हुए 1 से 2 मिनट फ्राई करें। फ्रेंड्स, हमेशा इसी स्टेज में सब्जियों को डालें, इससे सब्जियों का टेस्ट और फ्लेवर इन्हेंस करता है। बहुत से लोग दाल के साथ ही सब्जियां डालकर बॉईल कर लेते हैं, इससे क्या होता है ना कि सब्जियां ओवर कुक हो जाती है, सब्जियों का जो फ्लेवर होता है वो बॉईल हो जाने के कारण नहीं रहता है। इसलिए हमेशा इसी स्टेज में सब्जियों को डालें। सारी सब्जियों को चलाते चलाते लगभग 2 मिनट का समय गुजर चुका है, सारी सब्जियां अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें एक एक करके आवश्यकता अनुसार नमक डालें, नमक को संभल के डालें क्योंकि दाल को उबालने में भी नमक डाला गया है। 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें और आखिरी में 2 टीस्पून सांभर मसाला डालें। ये मेरा घर का बनाया गया सांभर मसाला है, इसका भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में दे के रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप इजीली वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मार्केट में भी कई सारे ब्रांड के सांभर मसाले बिकते हैं, आप कोई भी खरीद कर डाल सकते हैं। तो अब इन मसालों को अच्छे तरीके से चलाते हुए सब्जियों से कोटेड करें। अब आप देख सकते हैं मसाले अच्छे तरीके से सब्जियों में कोटेड हो चुके हैं। तो अब इसमें 2 टीस्पून खटाई डालें। खटाई को मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया था और अब इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास खटाई नहीं है तो इमली को भी भिगोकर उसका गूंदा निकाल कर डालें, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इसमें 1 गिलास पानी डालें। वैसे पानी आप अपने अंदाज से भी डाल सकते हैं जितने में ये सब्जियां कुक हो जाए। और अब इसे मिक्स करें। तो अब इसे ढककर लो फ्लेम में तब तक कुक करें जब तक सब्जियां ऑलमोस्ट कुक ना हो जाए, मतलब सब्जियों में थोड़ा कच्चापन रहना चाहिए, सब्जियां ऑलमोस्ट 90% तक कुक हो जाने चाहिए। तो तब तक इसे ढककर पकाएं और बीच बीच में ढक्कन खोलकर चलाते भी रहे। अभी जब तक इधर सब्जियां पक रही हैं तब तक दाल चेक कर लेती हूँ। तो कुकर का ढक्कन खोले आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे तरीके से पक चुके हैं, लेकिन दाना इसमें दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोग इसे पीसने के लिए मिक्सी चला के पीस लेते हैं जिससे ये बिल्कुल से जूसी हो जाता है, लेकिन इस दाल में दाने भी थोड़े बहुत दिखाई देने चाहिए जिससे टेस्ट इन्हेंस करता है। तो इसके लिए ये मैं इस तरीके का मथनी का यूज कर रही हूँ और थोड़ा इसे मत ले रही हूँ, ज्यादा नहीं मतना है नहीं तो दाल पिस जाएंगे। अगर आपके पास मथनी नहीं है तो नॉर्मल कलछुल से भी थोड़ा सा चला ले। तो अब आप देख सकते कि दाल की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा दाना दाल का दिखाई देना चाहिए। तो अब इधर सब्जियां भी 90% तक कुक हो चुकी है, सब्जियां पूरी तरीके से कुक नहीं हुई है, थोड़ा सा कसर बचा हुआ है। तो अब इसमें दाल को डाल दे और साथ ही ये मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है, इसे भी डाल दे क्योंकि होटल वाले लोग भी सांभर में गुड़ का यूज करते हैं। ये बिल्कुल से राइट टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, इससे सांभर का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा मीठा सा हो जाएगा जिससे ये खाने में बहुत ही यमी लगेगा। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो चीनी का भी यूज आप कर सकते हैं। तो अब इसे मिक्स करें और एक बॉईल आने तक का इंतजार करें। तो अब आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में उबाल आ चुका है। तो अब इसे चलाएं और फिर फ्लेम को मीडियम करके इसे तब तक पकाएं जब तक सब्जियां अच्छे तरीके से कुक ना हो जाए। इसे ढककर बिल्कुल भी नहीं पकाना है नहीं तो सब्जियां ओवर कुक हो जाएंगी। और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी का भी ध्यान देना है, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। अगर ग्रेवी थोड़ी भी गाढ़ी दिखाई दे रही है तो आवश्यकता अनुसार पानी डालकर इसे बैलेंस में कर ले और कुक कर ले। तो अब आप देख पा रहे हैं कि सांभर की ग्रेवी बिल्कुल से अब राइट कंसिस्टेंसी में है और सारी सब्जियां भी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। सांभर से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, सांभर से इतनी अच्छी इतनी जबरदस्त खुशबू आने लगी है कि अगर आप बनाएंगे तो पड़ोसियां भी इसकी खुशबू सूंघ लेंगे। तो बस इसे थोड़ा चलाकर फ्लेम को अब मैं कर दे रही हूँ ऑफ और इसे सर्व कर ले रही हूँ। आपके सामने बहुत ही जबरदस्त होटल्स में बनने वाली सांभर की रेसिपी सर्व होके
रेडी हो चुकी है। इसे आप इडली डोसा के साथ सर्व करें। अगर इडली और डोसा नहीं भी है तो इसे सिंपल प्लेन राइस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। ये उसमें भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैं तो इसे प्लेन राइस के साथ भी खाती हूँ, मुझे बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो इस रेसिपी को घर पर बनाकर अपने फैमिली के साथ इंजॉय करें, घर पर आए मेहमानों को सर्व करें। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।